नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, यदि 15 कॉट ए बराबर है 8 के, तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले आप देखना, पिछले प्रश्न में दिया था साइन ए बराबर 8/15 या कुछ भी ऐसा, इसमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो हमने घबराना नहीं है। हमने क्या करना है, यहां से कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो कॉट ए किसका कितने बराबर होगा, यह है 8, 15 यहां कॉट ए के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो 8 से भाग हो जाएगा, तो यह आ गया कॉट ए बराबर 8/15। और हमें पता है जो फॉर्मूला है, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। इसका नाम मान लीजिए हम लिखते हैं ए है ना, साइन ए कॉस ए है, इसका मतलब ए तो होना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं सी बी ए। और देखिए क्योंकि हमारे जो एंगल थे वो ए ए ए थे, इसलिए ए को हमने आधार के साथ रखा है, तो त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी, जो बी पर समकोण बनाता है और ए जो है वह आधार के साथ कोण है। तो कॉट ए है 8/15, इसे बेस बटा परपेंडिकुलर होता है कॉट का फार्मूला, तो बेस आ गया है 8 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 15। आइए अब हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। अब आप जानते हैं पहले स्टेप से हमें त्रिभुज की दो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता लगी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में भी किया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखिए वो होता है हाइपोस्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो हमें नहीं पता, उसका नाम होगा एसी, तो हाइपोस्क्वायर यानी कि एसी का होल स्क्वायर बराबर बेस, बेस है 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 15, 15 का होल स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका मतलब एसी का होल स्क्वायर बराबर है 64 प्लस 225। देखिए 5 प्लस 4 होगा 9 और 6 और 2 होगा 8 और यह है 2, तो यह आ गया 299। अब 299 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो एसी का होल स्क्वायर होगा 17 का होल स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एसी हमें प्राप्त होगा 17। एसी कितना प्राप्त हो गया है, 17। इस पाइथागोरस लगाने का पर्पस क्या है, सिर्फ त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी हमने पता कर ली जो कि आई है 17। अब यह प्रश्न बहुत आसान है, हमें पता करना है साइन ए और सीकेंट ए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले साइन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। आशा करता हूं अब तक आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले जरूर याद कर लिए होंगे। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर इस त्रिभुज में, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 बटा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है ये कर्ण यानी तिरछी रेखा जो कि है 17। तो इसका मतलब क्या है, साइन ए का मान आ गया 15/17। इसी प्रकार से हमें अगला जो मान निकालना है वह निकालना है सीकेंट ए। तो बच्चों जो सीकेंट ए होता है वह होता है एच अपॉन बी के बराबर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज बटा बेस। तो सीकेंट का फॉर्मूला है एच बटा बी। देखिए एच कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 बटा बेस, बेस कितना है देखिए, बेस है 8, तो हमारे पास सीकेंट ए का मान आ गया 17/8। इस प्रकार से साइन ए का मान हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया है 15/17, और सीकेंट ए का मान निकालना था वह हमारे पास आ गया है 17/8।
तो इस प्रकार से हमें देखिए प्रश्न कुछ भी नहीं है। सबसे पहले 15 कॉट ए बराबर 8 था, वहां से कॉट ए आया 8, 15 उधर जाके भाग हो गया 8/15। अब हमें पता है कॉट ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों यही फॉर्मूले आपने 6 याद करने हैं, साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, टेन किसके बराबर है। तो कॉट ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां से बेस आ गया 8, परपेंडिकुलर आ गया 15, वो हमने त्रिभुज में लिख दिए, बेस आ गया 8, परपेंडिकुलर आ गया 15। इसी हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय लगाया, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस लगाने से हमें तीसरी भुजा प्राप्त हो गई 17। उसके बाद साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 15/17, और सीकेंट ए होता है हाइपोटेन्यूज बटा बेस यानी 17/20 है 8। तो ये दो मान हमें ज्ञात करने थे, ये हमने ज्ञात कर दिए हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। आपका धन्यवाद।